नमस्कार, मैं सुनीता, अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई वनडे की एक नई रेसिपी, एग कीमा मसाला। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। अंडा कीमा मसाला बनाने के लिए हमने ये 12 अंडे लिए हैं जिनको हमने उबाल लिया है। अब इन 12 अंडों में से हम 3 अंडों को कद्दूकस कर लेंगे जिसका हम कीमा बनाएंगे। जिस साइड मोटा है उस साइड हम इसको कद्दूकस करेंगे और इस तरह से अपने अंडे को कद्दूकस कर लेंगे और उसका कीमा बना लेंगे। हमने सभी अंडों को कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं सब्जी बनाने की तरफ। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो जब तक हम आपको मसाले दिखाते हैं। हमने ये एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और कुछ काली मिर्च और 1 जावित्री है और कुछ ये लौंग है। साथ में हमने लिए हैं कुछ सूखी लाल मिर्ची है ये और 2 से 3 तेज पत्ते हैं। तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें अपने सूखे मसाले और साथ में डाल देंगे तेज पत्ते। मसाले को थोड़ा चटकने देंगे। यहाँ हमारे मसाले भुन गए हैं। अब हमने ये 3 प्याज को स्लाइसों में काट लिया है जो बड़ी बड़ी थी। अब इनको हम भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। हमें अपनी प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन ही करना है। अब हम इसमें डालेंगे, हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको भी इसी तरह से इसमें भून लेते हैं। यह हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज के साथ जब तक भून रहे हैं हम आपको मसाले दिखा देते हैं। यह हमने 2.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और ये लिया हमने जीरा पाउडर। इधर हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन गया है। अब हम अपने मसालों को भी डाल देते हैं इसमें और इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। मसाले सूखे हैं तो अब इसमें हम डालेंगे अपने ये हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया और उसको इसमें डाल देते हैं जिससे कि हमारा मसाला भी ना जले और टमाटर भी अच्छे से भुन जाए। मसाला लगे नहीं, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और टमाटर को अच्छे से गलने देते हैं। इसको ढककर हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे जिससे कि टमाटर हमारा अच्छे सा पक जाए। हमारा मसाला देखो अच्छे से भुन गया है और इसका एक पेस्ट सा भी बन गया है। हमें प्याज या टमाटर को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखो कितना अच्छा पेस्ट सा बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये कसूरी मेथी है और इसको भी कर दें, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने पहले अभी 1 ग्लास पानी डाला है और इसको भी मिला के देखते हैं। हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। 1/2 ग्लास पानी हमने और डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। हम इसको ढक के उबालेंगे जिससे कि ये अच्छे से जल्दी से उबल जाए। यहाँ पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। पहले इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे जो हमने अंडों को कद्दूकस किया था उसको भी इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स कर। अब हम अपने अंडे डाल देंगे। मैंने अंडों को फ्राई नहीं किया, अगर आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, पर हमारे घर में फ्राई के अंडे नहीं खाते तो हम इनको ऐसे ही डाल रहे हैं। अब इनको भी हम मिक्स कर देते हैं। हमने इनको अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसी तरह पकाएंगे ढककर। इसको ढक देते हैं और 5 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। ये हमारा एग कीमा मसाला बिल्कुल बनकर
रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अरे एग कीमा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब बहुत ही मैं बिल्कुल होटल स्टाइल बनाया है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें।